पक्ष और विपक्ष हर खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे सुशांत मामले में। आज 13वें दिन भी सीबीआई की जांच सुशांत से जुड़े लोगों और रिया के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। बड़ी खबर यह है, सीबीआई ने आज भी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूरे 9 घंटे तक की पूछताछ की है। सीबीआई ने कल फिर से रिया के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही आज भी सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज से सवाल जवाब किए हैं और कल ही ईडी ने रिया के भाई शौविक को भी ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। जितने भी व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आ रहे हैं या फिर ड्रग अब डीलर जो है उनसे पूछताछ में जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है उसके आधार पर अब ईडी एनसीबी की जांच आगे बढ़ेगी। ईडी ने आज सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से भी की है पूछताछ। दिव्यांशु हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांशु, आज की पूछताछ खत्म हुई, दिव्यांशु के पास हम चलेंगे। दिवेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवेश, सीधे सीधे बड़ा सवाल यह है, आज रिया चक्रवर्ती के पिता से किस तरह के सवाल दागे गए और क्या जवाब उनकी ओर से दिया गया है सीबीआई को? चित्रा, आपको बता दें ये दूसरे तीसरे दिन का सिलसिला है जब रिया के पिता इंद्रजीत से पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ हर उस मसले पर की जा रही है। इनफैक्ट सीबीआई का एक प्रोसीजर है जिसे रिपीट क्वेश्चनिंग प्रोसीजर कहते हैं, जहां पर एक ही सवाल को बार बार दोहराया जाता है। पहले दिन भी वही सवाल पूछे जाएंगे, अगले दिन भी वही सवाल पूछे जाते हैं, ताकि किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी या इनकंसिस्टेंसी अगर स्टेटमेंट में मिलती है तो उसे रिकॉर्ड पर लिया जा सके और उस चीज को प्रोब किया जा सके। ये एक इन्वेस्टिगेशन की एक टेक्निक है जो सीबीआई यूज करती है, इसीलिए बार बार बुलाया जाता है। आप देख सकती हैं रिया को भी बहुत बार बुलाया जा चुका है। इसके अलावा जो अन्य की विटनेसेस हैं, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, केशव बचनेर, इन सबको भी बार बार बुलाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। सैमुअल मिरांडा को बार बार बुलाया जा रहा है, उन्हें करीब 7-8 बार बुलाया जा चुका है पूछताछ के लिए। ये इसलिए किया जाता है कि इनकी कंसिस्टेंसी जो है स्टेटमेंट की वो बरकरार है या नहीं देखने के लिए। इसी तरीके से इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी बार बार पूछताछ की जा रही है फाइनेंशियल एंगल पर। जो आरोप है कि 15 करोड़ रुपए गबन किए गए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, उसको कैसे या ऐसा कुछ हुआ था नहीं हुआ था, इनके नॉलेज में था या नहीं था, किस तरीके से पैसे